जाओगे फेट तुम्हें ढूंढ लेगा। जॉर्ज बनकर साले मुझे कॉल करनी है। फेट कौन है भाई? पूरे लमार को जानता है ऑलरेडी। हमारे पास तुम्हारा लड़का है। ये तू उनको फोन करके क्यों बता रहा है? एक सेकंड में ट्रेस कर लेंगे वो लोग। दिमाग में लस्सी भरी हुई है क्या? हमें 40,000 चाहिए। या तो हमें पे कर दे नहीं तो फ्यूनरल डायरेक्टर को पे कर देना साले हरामी। हाँ भाई, ये तूने क्या कर दिया? उन्हें हमारी लोकेशन मिल जाएगी यार। अब इस चमन को गाड़ी से बाहर निकाल और निकल इधर से, वरना दोनों फंसेंगे। भाई हो गया है लफड़ा, क्योंकि ये उसको फोन दे। अबे क्या कर रहा है? तुम सबकी माँ की आग, मैं जल्दी तुम लोगों से मिलूंगा। इतना इसलिए उछल रहा क्योंकि हमने तेरी अच्छी तरह से ली नहीं है। अभी चल निकल इधर से। सारे ओजी को इस बारे में पता चल जाएगा। क्या बकवास है यार, मुझे मोड़ पे उतार दे। मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी तेरा दिमाग कहाँ जाता है। अबे इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे थे यार, लेकिन तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है यार? वो एक अच्छा फोन था। अच्छा फोन था? अबे उस फोन की वजह से ठुल्ले पीछे लग जाते। अबे अपना कार्ड निकाल के फेंक देता है यार, उन्हें चुतिया बनाता ना। अबे चुतिया बनाने का वक्त नहीं है, शुक्र मना मैंने तेरी जान बचा ली, वरना अभी लॉकअप में बैठा होता तू। भाई मैं किसी मोटी पार्टी के लिए अपने हाथ गंदे करने से डरता नहीं हूँ, समझा क्या? यही तो तेरी प्रॉब्लम है, हमें सीरियस होना है, पैसा कमाना है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अबे तो वो गोरा बुड्ढा हमें काम पे लगवा लेगा ना। अब बता मेरी फर्स्ट क्लास कैब का है। देख पहले मैं खुद कुछ काम की बातें सीख रहा हूँ, ठीक है? पहले वो हो जाने दे, उसके बाद तेरे को सिखाऊंगा, फिर पूरा शहर बाहें फैलाए हमारे लिए खड़ा रहेगा। तेरी बकवास पूरी हो जाए तो मुझे बता देना भाई, तेरे चेहरे से पुराने दाग मिटाने को तैयार, पुराने और गहरे दाग। भाई साहब तो मतलब मेन ये है कि इनने जिसको किडनैप किया था वो भी इसका कोई दोस्त ही था, तो मतलब वो फेड के लिए काम करता था, उसे किडनैप किया और फेड से पैसे मांगने के लिए इसने सीधा लमार ने कॉल कर दिया कि पैसे दे वरना इसको मार डालेंगे। तो लमार अलग सर फिरा इंसान है भाई, कुछ भी करता है। ठीक है चोमू, तेरा बाप चोमू साले। और हाँ, बोनस वालों से थोड़ा होशियार रहना, वो तेरे को ढूंढ रहे होंगे, वो नहीं तो पुलिस वाले ढूंढ लेंगे। अबे उनकी टेंशन नहीं है भाई, मैं किसी गैंगस्टर से कम हूँ क्या? तू जानता है ना मैं कैसा हूँ, एक एक के बैंड बजा सकता हूँ। तू सुधरेगा नहीं है ना भाई? मेरे को ऐसा जो लग रहा है कि लमार फंसने वाला है, और वो भी बहुत ही तगड़ा वाला। मे भी हमें इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करना चाहिए।